बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन है वो है कि मीडियन नर्व को कैसे पैल्पेट करना है और उसकी लेवल ऑफ डैमेज कौन कौन से हैं। तो एक्चुअली मीडियन नर्व जो है ये ब्रेकियल प्लेक्सस के जो लेटरल और मीडियल कॉर्ड है उसकी ये C6, C7, C8 और T1 इनकी जो इंटरमिंगलिंग होती है नर्व्स की, तो उससे हमारी मीडियन नर्व जो है वो बन रही है। तो ये हमारे मीडियन नर्व जो है ये मोटर और सेंसरी दोनों ब्रांचेस देती है। तो मीडियन नर्व फोर आर्म के जो मसल्स हैं, फ्लेक्सर मसल्स जो हैं, उनको सप्लाई करती है, और हैंड के अंदर जो इसकी मोटर सप्लाई है वो थिनार एमिनेंस के मसल्स जो हैं उनको सप्लाई कर रही है, और जो लेटरल टू लम्ब्राइकल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड लम्ब्रिकल्स, उनको सप्लाई कर रही है। तो जो इसकी सेंसरी सप्लाई है वो ये पामर एरिया में, आप हैं हाथ सीधा करें तो पामर एरिया में ये एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच देती है इस वाले एरिया में। तो ये पामर क्यूटेनियस का एरिया है, और डिजिटल ब्रांच जो देती है वो डिजिटल क्यूटेनियस नर्व है, पामर डिजिटल क्यूटेनियस नर्व, तो वो इस वाले एरिया को, ये फर्स्ट, ये वाली फिंगर्स, सेकंड, थर्ड, और ये हाफ, इसी तरह डॉर्सम ऑफ हैंड के अंदर ये जो पहली दो फिंगर है इन वाले एरिया को, ये डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच है, तो इसको सप्लाई कर रही है। ये डिजिटल क्यूटेनियस, ये फिंगर टिप्स जो है इनको डार्सम और पामर वाले एरिया में, और ये फिंगर्स को, हाथ सीधा रख, फिंगर्स को सप्लाई कर रही है, और जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच है वो इस वाले एरिया को सप्लाई कर रही है। जबकि इसकी जो मोटर ब्रांचेस हैं वो हमने बताया था कि ये सुपरफिशियल जो है लेयर, इंटरमीडिएट लेयर और डीप लेयर के कुछ मसल्स को सप्लाई कर रही है, और इसी तरह इसकी जो हैंड के अंदर रिकरेंट ब्रांच है वो थिनार मसल्स को सप्लाई कर रही है। जो डिजिटल सुपरफिशियल, जो डिजिटल पामर ब्रांच है वो ये 3.5 डिजिट्स और फिंगर टिप्स उनको सप्लाई कर रही है, और फर्स्ट टू लम्ब्राइकल्स को सप्लाई कर रही है। तो ये तो मीडियन नर्व का कोर्स है। हम इसको पाल्पेट कैसे करते हैं, कैसे हम बॉडी के अंदर लाइव पेशेंट के अंदर पाल्पेट कर सकते हैं? तो आपने सबसे पहले बाइसेप्स ब्रेकियाई जो मसल है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये बाइसेप्स ब्रेकियाई का बल्क है, और एंटीरियर शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस के ऊपर जो है ब्रेकियलस मसल पड़ा हो। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियलस के दरमियान में ये जो टनल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, इस एरिया में हम इसको लोकेट करेंगे कि पैल्पेट करेंगे, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो बेस्ट वे क्या है कि हम कैसे पैल्पेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूबिटल फोसा के अंदर बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन फाइंड आउट करें। तो अगर हम इसको पेशेंट को कहेंगे जरा वो रेजिस्टिवली फ्लेक्स करें, तो ये जो टेंडन फील हो रहा है कॉर्ड लाइक हार्ड स्ट्रक्चर, तो ये बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन है। तो जस्ट बाइसेप्स ब्रेकियाई के मीडियल आपको इधर ब्रेकियल पल्स फील होगी, इधर रिलैक्स रखें और पल्स फील करें, इधर मुझे पल्स फील हो रही है ब्रेकियल पल्स। तो ब्रेकियल पल्स के मीडियल, सपोज अगर ये वाला एरिया ब्रेकियल पल्स का है, तो इस वाले एरिया में, ये जो एरिया, इस वाले एरिया में आपने जो आपकी मीडियन नर्व है उसको पैल्पेट करना है, तो आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इधर फील होगा जो आपके हैंड के नीचे से स्लिप करेगी जब हम रोल कर रहे होंगे। रोल इट एंड ट्राई टू कैच इट, इस वाले एरिया, ये डीप फील हो रही है। इसी तरह इसके प्रॉक्सिमली आप इस कोर्स में आगे जाते जाएंगे, तो ये बाइसेप्स का बल्क है, नीचे ब्रेकियलस है, तो इस वाले एरिया में आपको मीडियन नर्व जो है वो पैल्पेट हो सकती है। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये मेरे हैंड के नीचे जो है ये स्लिप कर रहा है, जो मेरी टिप ऑफ फिंगर्स है उनके नीचे ये स्लिप कर रहा है, इसी वाले एरिया में ये। तो जो ही आप डेल्टॉइड टेप्रोस्टी, जहां पे डेल्टॉइड मसल अटैच है लैटरल साइड पे ह्यूमरस के, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाएंगे, तो इस वाले लेवल पे ये जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है
पहले उसके लेटरल साइड पे थी और इस वाले लेवल पे ये क्रॉस करके मीडियल साइड पे आ जाती है ब्रेकियल आर्टरी के, तो ये कोर्स पास करती है। जब ये क्यूबिटल फोसा वाले एरिया से आगे एंटर होती है तो इस वाले रीजन में मीडियन नर्व जो है वो आपके जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, तो ये कॉमन फ्लेक्सर रीजन है। इसमें पामेरस लॉन्गस, सॉरी जो आपका प्रोनेटर टीरीज है उसको सप्लाई कर रही है, उसके बाद आपका जो है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलस उसको सप्लाई कर रही है, और उसके बाद पामेरस लॉन्गस उस वाले मसल को सप्लाई कर रही है, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेयर है उसमें जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है उस मसल को सप्लाई कर रही है ये जो लेटरल वाले एरिया में, और जो डीप है हमारे उसमें जो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस उसको सप्लाई कर रही है, और इस वाले एरिया में एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस को सप्लाई कर रही है, और जो हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसका जो लेटरल हाफ है जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसकी ड्यूल सप्लाई है, उसको अल्नर नर्व भी सप्लाई कर रही है उसका मीडियल हाफ जो है, और लेटरल हाफ जो है वो सप्लाई होता है तो उसकी मोटर सप्लाई जो है वो मीडियन नर्व है। तो फोर आर्म के अंदर फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ के अलावा बाकी सारे मसल जो हैं वो मीडियन नर्व से सप्लाई हो रहे हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मीडियल हाफ एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस जो है उसकी सप्लाई जो है वो अल्नर नर्व है। जब ये इस वाले एरिया में फ्लेक्सर रेटिनोकोलम को क्रॉस करती है, ये फ्लेक्सर रेटिनोकोलम है, ये डिस्टल क्रीज, ये पामर क्रीज, तो इसके दरमियान में ये नर्व जो है आप जरा फ्लेक्स करें तो इधर ये जो टेंडन नजर आ रहा है ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन है, इसके साथ ही इधर पामेरस लॉन्गस का टेंडन है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन, ये इधर पामेरस लॉन्गस का टेंडन, और इस साइड पे फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस का टेंडन है। तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इसके दरमियान में आप जो है मीडियन नर्व इधर रिस्ट वाले लेवल पे पैल्पेट कर सकते हैं डीप। तो ये हमारी ये जो इंडेक्स मिडल फिंगर और थंब वाले एरिया को मोटर और सेंसरी सप्लाई दे रही है, क्योंकि थिनार एमिनेंस को भी यही सप्लाई करती है। बिफोर फ्रैक्चर रेटिना कोलम इधर ये एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं वो सुपरफिशियल पामर ब्रांच जो है, ये पामर ब्रांच है इसकी, वो सेंसरी एरिया ये जो हमने रेड किया हुआ है इसको सप्लाई कर रही है। तो अगर नर्व इधर ये जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनोकोलम जिसे हम कार्पल टनल कह रहे हैं उसके अंदर कंप्रेस होगी तो ये वाला एरिया स्पेयर रहेगा, क्योंकि इसकी ये जो पामर ब्रांच है क्यूटेनियस ब्रांच वो स्पेयर है, वो ऊपर से आ रही है फ्लेक्सर रेटिनोकोलम से, जबकि नीचे से जो है वो आपकी मीडियन नर्व पास कर रही है, और इधर एक रिकरेंट ब्रांच देगी जो कि ये थिनार मसल्स को एबडक्टर पोलिसिस ब्रेवस फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेवस एंड ओपोनेंस पोलिसिस मसल उनको सप्लाई कर रही है। तो अगर इधर कार्पल टनल में डैमेज हुआ हुआ है तो उस वक्त ये जो थिनार एमिनेंस है ये एट्रोफिक हो जाएगी और एप लाइक डिफॉर्मिटी डिवेल्प हो जाएगी। इसी तरह इसकी जो इसकी ब्रांच है क्यूटेनियस ब्रांच पामर क्यूटेनियस डिजिटल ब्रांच जिसे हम कहते हैं वो इन एरिया को सप्लाई कर रही है। तो जब कार्पल टनल में कंप्रेशन होगा तो ये रिकरेंट ब्रांच डैमेज होगी और जो आपकी डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच है वो डैमेज होगी, तो इस एरिया में सेंसेशंस नहीं होंगी, इस एरिया में सेंसेशंस जो है वो अम्पेयर नहीं होंगी, वो प्रिजर्व रहेंगी, क्योंकि ये जो है ये डिजिटल ब्रांच जो है सॉरी ये जो आपकी पामर क्यूटेनियस ब्रांच है उससे सप्लाई आ रही है। अच्छा, जब हम ये फोर आर्म के अंदर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दरमियान से पास कर रही होती है तो उधर इस नर्व को हम कह देते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा ह्यूमरस का तो उस वक्त जो है आपके ये जो सुपरफिशियल मसल जो है फ्लेक्सर इंटरमीडिएट मसल्स और डीप जो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ जो है
ये सारे डैमेज होंगे, तो पेशेंट जो है ये प्रोनेट नहीं कर पाएगा, हाथ को सुपिनेट रहेगा और रिस्ट को फ्लेक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रिस्ट फ्लेक्सर्स हैं, और फिंगर्स को भी फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। तो लेकिन ये लेटरल वाला एरिया जो है ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस और जो आपका फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस का मीडियल हाफ है उससे सप्लाई हो रहा है, तो ये लिटिल बिट फ्लेक्स कर लेगा इस तरह, ये फ्लेक्स हो जाएगा, ये फिंगर जो है सीधी रहेंगी, तो इस तरह हैंड ऑफ बेनिडिक्शन जो है वो प्रेजेंटेशन होगी। तो या इसे प्रीचर्स हैंड डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, या एप थंब लाइक डिफॉर्मिटी। एप थंब लाइक डिफॉर्मिटी हम उस वक्त ज्यादा कहते हैं जब ये थिनार एमिनेंस जो है ये आपकी एट्रॉफिक हो जाएगी, स्पेशली जब ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो है डिवेलप होता है। अगर इस लेवल पे भी डैमेज होगा तो तब भी ये एप हैंड डिफॉर्मिटी डिवेलप होगी, प्रीचर साइन डिवेलप होगा, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन भी इसे हम बोलते हैं, तो ये डिवेलप होगा। तो अगर इस वाले लेवल पे कार्पल टनल के लेवल पे ये डैमेज हुई हुई है तो, या इस लेवल पे न्यूरोप्रेक्सिया है, तो उसमें आपका ये वाला एरिया जो है इसकी सेंसेशन जो है प्रिजर्व रहेंगी, क्योंकि इसकी जो आपकी पामर क्यूटेनियस ब्रांच है वो फ्लेक्स रेटिनाकोलम के ऊपर से पास करती है, इधर आ रही है, इस एरिया को सप्लाई कर रही है, जबकि जब इधर डैमेज होगी या इधर इसके न्यूरोप्रेक्सिया होगा तो उस वक्त जो रिकरेंट ब्रांच है जो थिनार मसल्स को सप्लाई कर रही है वो डैमेज होगी, और ये मसल जो है थिनार एमिनेंस के एबडक्टर पोलिसियस ब्रेवस और फ्लेक्सर पोलिसियस ब्रेवस एंड ओपोनेंस पोलिसियस, ये मसल जो है ये पैरालाइज होंगे, तो पेशेंट जो है वो अपोजिशन नहीं कर पाएगा, वो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा और वो एबडक्शन नहीं कर पाएगा तो लिटिल बिट। और उसके बाद ये जो क्यूटेनियस है डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच, ये भी उसकी डैमेज होगी और इस एरिया में पेशेंट जो है वो सेंसेशन जो है वो फील करेंगे। लेकिन आपने इसको रूल आउट करना है कि ये ऊपर से रेडिकुलोपैथी तो नहीं है, C6, C7, C8 और T1 की, अगर तो रेडिकुलोपैथी है तो आपने नर्व रूट कंप्रेशन है तो उस एरिया को ट्रीट करना है, अगर ये इस वाले एरिया में कंप्रेशन है तो यहां से आपने रिलीज करने की कोशिश करनी है, और अगर कार्पल टनल वाले एरिया में है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिवाइस करना है। थैंक यू।